ऐसा कोई दोस्त है किसी के पास जो आपको हर टाइम आपको हेल्प करे, मदद करे जिंदगी के हर मोड़ पे, हर मुश्किल में, हर कठिनाई में, चाहे आप कहीं भी दूर हो, जो आपको हमेशा हेल्प करे? है आपका किसी का दोस्त? कौन आपका दोस्त है? कौन? क्या नाम? अमित। ओके, आप यहाँ है और आपका अमित जो है मान लो सिंगापुर में है, आपको प्रॉब्लम यहाँ आ गई, क्या वो आपको हेल्प कर पाएगा यहाँ पे? निकल पाया? ओके, आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भूल गए, आपके पीछे वो बैठा है, ठीक है, और सामने यहाँ टीचर भी खड़ा है, तो क्या वो आपको हेल्प करेगा? नहीं करेगा। ओके, मान लो आपके पास फीस की कमी आ गई है, बाय चांस आपको कहीं मेडिकल उसमें जाना है, आपको 1 लाख की फीस देनी है, उसके पास भी 1 लाख है, परंतु क्या वो अपना कैंसिलेशन करा के आपकी हेल्प करेगा? अमित जो आपने दोस्त बताया, अपना कैंसिलेशन करा के अपना जो पैसा है वो आपकी फीस के लिए भर पाएगा? नहीं, नहीं भरेगा, क्योंकि बैठिए बैठिए। सो ऐसा होता है दुनिया में, दोस्त हमारे हैं परंतु अपना भी त्याग करके दूसरों को आगे बढ़ाए, ऐसे बच्चे दोस्त चार होते हैं दुनिया में, जो हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा दोस्त हमेशा आगे बढ़े भले मैं आगे ना बढ़ू। क्या आपका अमित दोस्त ये चाहेगा कि मेरा दोस्त फर्स्ट आ जाए भले मैं फेल हो जाऊं? आपके पास 2 गाड़ियां हो, 4 बंगले हो, मेरे पास 1 भी ना हो, परंतु जिंदगी में ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छा सोचेंगे भले ही उनके पास कुछ ना हो। सबसे पहला प्रेम कौन है? आपकी माँ, मदर, जो अपना सुख दुख सब कुछ भूल करके दिन रात आपके लिए मेहनत करती है, आप जाते हैं आपके कपड़े धुलाई करती है, खाना बनाती है, सब कुछ करके, और माँ हमेशा क्या कहेगी? मेरा बेटा हमेशा आगे बढ़े, उसके पास दुनिया की सारी खुशियां भले ही मेरे पास ना हो। तो कभी मम्मी को आपने दोस्त के रूप में देखा है? आज से देखा है। मेरा मदर इज द बेस्ट फ्रेंड। दूसरा दोस्त आपके पिता, जो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते थे कि आपको सारी फैसिलिटीज मिले, भले ही उनके पास एसी ना हो बच्चे के लिए प्रोवाइड करेंगे, उनके पास गाड़ी ना हो बच्चे के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, खून पसीना बहा करके भी आपको पढ़ने लिखने के लिए कितनी फैसिलिटीज देते हैं, तो क्या आपने पिता को आपने कभी दोस्त के रूप में देखा है? लेकिन आज से देखा, मैंने देखा तो आज में योर फादर इज योर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद तीसरा मेरे दोस्त कौन है? आपके टीचर्स। कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे स्कूल का ये बच्चा फेल हो जाए, ये पढ़ेगा, ये पास हो, क्या चाहेंगे? हमेशा हमारे स्कूल का मेरा पढ़ाया बच्चा आगे से आगे जाए, दुनिया में उसका नाम रोशन हो, ठीक है? भले ही मैं एक टीचर हूं परंतु मेरा जो पढ़ाया बच्चा है वो आई एस डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, बहुत बड़ा डॉक्टर बने, कुछ भी बने, हमेशा उनकी दिल की दुआएं होती है, आशीर्वाद होती है। अच्छा एक बात बताता है, कोई मुश्किल सिलेबस होता है, चैप्टर होता है, जब आपका दोस्त आपको बताता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है, परंतु वही चैप्टर जब आपके टीचर्स पढ़ाते हैं तो याद नहीं आता, होता है क्यों? क्योंकि आप अपने टीचर्स को दोस्त नहीं मानते। जिस दिन पे आप अपने टीचर्स को दोस्त के रूप में देखेंगे तो उनकी पढ़ाई में सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली याद रहने लगेंगी, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक इमोशन पे, एक रिलेशनशिप है। टीचर से हमेशा हम डरते रहे वो कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो टीचर है, हम स्टूडेंट है नहीं, वो हमारे सच्चे सच्चे दोस्त हैं। एक बार जोर जोर में टीचर्स के लिए ताली बजा दें। अब आई एक दोस्त नंबर दोस्त जो जिंदगी के हर मुकाम पे, हर मोड़ पर, हर मुश्किल में आपका साथ निभाएगा, वो कौन है? भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिस भी नाम से उसको आप जानते हैं, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, चाहे आप सिंगापुर में हो, चाहे आप यहां हो, चाहे कहीं भी हो, वो आपको मदद करेगा।
अगर आप मान लो एग्जामिनेशन हॉल में भूल गए, आप उसको दिल से याद करोगे तो वो कानों में आकर के आपको बता देगा। ये हम लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है। बड़ी से बड़ी सिचुएशन आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं, कुछ भी हो, आपका दोस्त आपके लिए रेडी है, परंतु हमें उससे दोस्ती करनी आनी चाहिए। भगवान को किसी ने दोस्त बनाया अभी तक? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि भगवान है कौन, कहाँ रहता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पहाड़ों पर गुफाओं में चंद्रमा में कहाँ कहाँ हम नहीं ढूंढते बचपन से लेकर आज तक। जिसने बताया ये भगवान जी, हाँ जी ये भगवान जी, हाँ जी ये भगवान जी, हाँ जी करते आए, श्रद्धा भावना हम पूरी रखते हैं, परंतु कभी महसूस हुआ कि भगवान से मेरी बात होती है, भगवान मेरी सुनता है? कभी महसूस होता है किसी को? नहीं, क्योंकि हमें उसका सत्य परिचय नहीं पता। अगर किसी का दोस्त प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी किसी के दोस्त हो, तो इसके लिए कितना काम आसान हो जाएगा। अरे भाई तेरे कोई काम होना मुझे बताइए, मेरा दोस्त है, तेरे काम करा दूंगा मैं। ऐसे ही अगर भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो हमारा दोस्त बन जाएगा, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है कितना बढ़ जाएगा, जिंदगी में जो हम चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो वो है मेन चीज, राजयोग के अंदर अपने आप को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, उस कनेक्शन को कहते हैं राजयोग। मैं बोल रहा हूँ एक स्टार, एक सोल, एक आत्मा, और वो आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा के जैसा। खरगोश देखा आप सभी ने? खरगोश कितना क्यूट होता है माशा अल्लाह। खरगोश का पिता कैसा होगा? खरगोश जैसा। हाथी का, घोड़े का, मनुष्य का, तो आत्मा का? सिंपल, बहुत लॉजिकल है। तो अगर हम स्टार हैं तो हमारा पिता भी वही है। और साइंस भी ये मानती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, डेढ़ इंच अंदर, ढाई इंच नीचे, ढाई इंच अंदर डेढ़ इंच नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट पे एनर्जी है जो पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक राहुल नाम का पेशेंट था, उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो उसके घर वाले उसको लेके गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर अंदर ऑपरेशन थिएटर में है, वो अंदर से आवाज लगाता है, कि आवाज लगाता है राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? राहुल पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, वो मर जाता है, डेड बॉडी टेबल पर पड़ी है। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, राहुल पेशेंट को बाहर ले जाओ या डेड बॉडी को बाहर ले जाओ? और राहुल तो चला गया। कहां चला गया? जिसको आज तक हम राहुल मानते आए, वो बॉडी तो यही है टेबल पर, और फिर कहते हैं राहुल तो चला गया। तो यही एक बेसिक भूल जो हुई है हम सभी से पूरे संसार के अंदर, वो ये है कि हम अपने आप को भूल गए। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूं। कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, हाथों द्वारा काम करने वाली शक्ति में आत्मा हूं। तो उसको रियलाइजेशन करना, उसी का नाम है राजयोग मेडिटेशन, कि हम अपने आप को रियलाइज करें आई एम अ स्टार, और परमात्मा को रियलाइज करें वो भी एक डायमंड स्टार। ठीक है, ये सुनहरे लाल आसमान, नीला जो आसमान दिखता है ना आपको, उसके ऊपर एक और दुनिया है, सुनहरे लाल रंग की दुनिया, जिसे परम धाम मुक्ति धाम कहते हैं। और वहां से हम लोग आते हैं यहाँ पर, अपना अपना रोल प्ले करेंगे, फिर वापस अपने घर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर किसी ने रजिस्ट्री नहीं करा रखी, किसी की पक्की रजिस्ट्री नहीं है, मैं 100 साल जीऊंगा यहाँ पे, 150 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा, नहीं, अगले पल का भी भरोसा नहीं है किसी को। हमारा एक्चुअल में वहां, तो हमारा जब तक यहाँ इस दुनिया में है, हम अपना बेस्ट रोल प्ले करें, यही राजयोग मेडिटेशन में सीखते हैं हम। और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आप को कनेक्ट करें उस गॉड से। ठीक है, तो करेंगे अभी प्रैक्टिस, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको विजुलाइज करना है, और आपको फील होगा, आपको अनुभव होगा। ठीक है, सीधे बैठेंगे बिल्कुल रिलैक्स होकर के, सामने देखेंगे और नीचे की तरफ, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है मेडिटेशन में, आंखें खुली रख सकते हो, जिसको प्रॉब्लम आए वो आंखें बंद कर सकते हैं।
लेकिन आगे खुली रखे और नीचे देखे वो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे अपनी धड़कनों की आवाज को सुनेंगे। अपना सारा ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपने ऊपर एकाग्र करेंगे। महसूस करेंगे जहां हम तिलक लगाते हैं मस्तिष्क पर, मैं एक स्टार हूं, एक दिव्य ज्योति, एक चमकता हुआ सितारा, मुझसे सफेद रंग का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, ये मैं हूं। देखेंगे अपने आप को एक चमकीला सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, अब देखेंगे अपने मन की आंखों द्वारा सूरज चांद सितारों के भी बाहर नीले आसमान से भी ऊपर एक सुनहरे लाल रंग की दुनिया, उसमें एक और चमकते हुए सितारा जिससे रंग बिरंगी किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है और वो रंग बिरंगी किरणें ऊपर से बरस रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। देखेंगे महसूस करेंगे उन किरणों को, धीरे धीरे मैं अपना पहले से ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही हूं, पहले से ज्यादा शांत हो गई हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आपको अभी आपने महसूस किया होगा एकदम आपके जो मन के संकल्प है वो कुछ लोगों को बिल्कुल, तो ये आपका सिर्फ 3 मिनट का प्रैक्टिस था। जब आप इसको लाइफ में और बढ़ाएंगे तो आपके मन की शक्ति और बढ़ती जाएगी और परमात्मा की शक्तियाँ और आपको महसूस होंगी। और इसका जो बेस्ट टाइम है वो है सवेरे सवेरे उठते ही, आप जितने मर्जी बजे उठे, चाहे 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, उठते ही सबसे पहले बस 2 मिनट वहीं बेड पर बैठे बैठे अपने आप को विजुलाइज करना है, आई एम अ सोल और परमात्मा को याद करना। और ऐसे ही रात को सोते टाइम भी आप 2-3 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे, आप देखेंगे 3 दिन के अंदर आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। और एक और चीज़ जो विजुलाइजेशन टेक्निक में आपको बहुत हेल्प करेगी, आप जो बनना चाहते हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे आप ओवरकम होना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे जीवन में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, उसको दूर करना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले ये विजुलाइज करें कि मैं ऐसा होता जा रहा हूँ। या मान लो आपको साइंस का सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ईजी लग रहा है, बस अपने मन को विचार देने और सवेरे उठ के भी भगवान को याद करने के बाद आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि आई एम अ डॉक्टर इंजीनियर जो भी आपका प्रोफेशन है,
आप देखेंगे वो चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी। और गॉड का जो सत्य परिचय है वो है, उनका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। भोलेनाथ जानते हैं, शिव के मंदिर में आप गए होंगे, है ना। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पुराने हैं, है ना, चाहे वो पशुपतिनाथ है नेपाल के अंदर, चाहे वो केदारनाथ है, अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, भगवननाथ है, जिस भी नाम से हम जानते हैं, रामेश्वरम, गोपेश्वरम, तो वो जो परमात्मा शिव है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। और वही सभी देवों के भी देव, महादेव कहा गया है, है ना। हनुमान जी के भी पिता वो हैं, गणेश जी के भी वो, सभी देवियों के भी वही है, कृष्ण जी के भी भगवान वही है, सभी देवी देवता है कहो, सबके ईश्वर वही है। और भगवान वो जो सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त हो, ऐसा नहीं है हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम भाइयों का अलग है, सिखों का अलग है, नहीं। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन धर्म में भी क्या कहते हैं, क्राइस्ट जी ने क्या कहा, आई एम नॉट द गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड गॉड इज लाइट। एक बड़ी कैंडल जलाते हैं चर्च में, वो गॉड का प्रतीक है, और सबके हाथ में प्रेयर करते हैं, क्या होता है, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी मोमबत्ती, वो किसका प्रतीक है, हम सभी आत्मा। सिख धर्म में भी क्या कहते हैं, परमात्मा की पहचान, एक ओंकार निराकार सत नाम वाहेगुरु, परमात्मा जो है वो निराकार है, शरीरधारी नहीं है। मुस्लिम धर्म में भी कहते हैं अल्लाह जो है वो नूर है, नूर इलाही, माना नूर माना प्रकाश। जापान में जाएंगे 3 फीट आगे 3 फीट ऊपर एक लाल रंग का पत्थर है, उसको उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। बौद्ध धर्म में भी अब देखेंगे महात्मा बुद्ध को किस चीज का साक्षात्कार हुआ, ज्योति का। हिंदू धर्म में भी देखेंगे कोई भी पूजा पाठ हवन करते हैं ज्योत जरूर जलाते हैं। और सबसे बड़ा धर्म शास्त्र किसको बताया गया है, गीता को। गीता में भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान दी है कि ये अर्जुन ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे देख रहा है, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए तो अर्जुन को क्या साक्षात्कार हुआ, अखंड महाज्योति स्वरूप का, कि अर्जुन ये मैं हूं। तो सभी धर्मों के हिसाब से परमात्मा कौन है, वो ज्योति स्वरूप है, तो उसके हम बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही वो सच्चा सच्चा राजयोग है, ठीक है। इसको आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर के। हम जिस संस्था से आए हैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। हम आए हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, जिसकी शाखाएं 140 से भी ज्यादा देशों में, ब्रांचेस है 140 से भी ज्यादा देशों में। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, आर्मी ऑफिसर या जवान हो, किसान हो, हर कैटेगरी के लोग आज इस राजयोग मेडिटेशन को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के जी रहे हैं। और वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रपति जी कौन है, वो भी एक ब्रह्म कुमारी। उनके लाइफ में भी आपने देखा होगा बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनके हस्बैंड चले गए, बेटे चले गए, बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, फिर वो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े, तो आज आप देखोगे कहाँ। तो राजयोग मेडिटेशन में वो पावर है कि आप अपने माइंड की 100% एनर्जी को यूज कर सकते हो। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना आपने, कहते हैं उन्होंने अपने ब्रेन की 10% एनर्जी यूज की थी। तरफ राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने माइंड की 100% एनर्जी यूज कर सकते हैं। करेंगे सभी, ठीक है। आपने इतना समय दिया, आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हो, प्यारे दोस्त हो हमारे, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना समय दिया। और एक बार दो बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। और मैं नोट करना चाहूंगा अगर सभी दो शब्द आज के सेशन में बोलेंगे तो दो दो तालियों के साथ सबसे हम वेलकम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। दिल्ली से बदल के ब्रह्म कुमारी भाई का लीडर अनिल भैया, उनकी सारी टीम, यहाँ के हम लोग को सब ज्ञान दिलाए,
सुख शांति में रहने के लिए जो रास्ता वो भी बताए। हम बहुत कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हूँ हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से, हमारी अनुष्ठान की तरफ से। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कोई कामना करके मैं बात कर।